नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा दोपहर और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। हेडलाइंस के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको एक बड़ी खबर। बड़ी खबर, डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले में एफआईआर की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की क्राइम ब्रांच अब इस हत्याकांड की जांच करेगी। बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी। 9 जुलाई 2018 को गोली मारकर मुन्ना बजरंगी की हत्या बागपत जेल में की गई थी और अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई अब इस मामले में जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। सीबीआई की क्राइम ब्रांच इस हत्याकांड की जांच करेगी। 9 जुलाई 2018 सुबह सुबह डॉन मुन्ना बजरंगी को गोली मार दी गई, जेल में हत्या की गई और अब हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और सीबीआई की क्राइम ब्रांच अब इस सारे मामले की जांच करेगी। इस घटना ने प्रदेश को और प्रदेश की जेलों की सुरक्षा के विषय पर बहुत बड़ी चर्चा को आमंत्रित किया था। अभी इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, आप पूरी खबर बताइए दर्शकों को। देखिए, हाईकोर्ट के आदेश पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। सीबीआई को ये आदेश दिए गए थे कि वो इस पूरे मामले की विवेचना करें। इसी कड़ी में जो सीबीआई की लखनऊ यूनिट है उसकी क्राइम ब्रांच को ये विवेचना दी गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल जुलाई 2018 में बागपत जेल के अंदर जब पेशी के लिए मुन्ना बजरंगी को ले जाया गया तो गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इसके पीछे गैंगस्टर सुनील लाठी का नाम आया। जो मुन्ना बजरंगी की जो पत्नी है सीमा सिंह, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि उनके पति की हत्या में तमाम बड़े लोगों का नाम है, तमाम बड़े सफेदपोश लोगों की साजिश है। जिसके बाद से हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में बीते सप्ताह ही सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। उसी हाईकोर्ट के आदेश के कंप्लायंस में ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और अब इस मामले की जांच करेगी सीबीआई की क्राइम ब्रांच। अब खबर बुलंदशहर से है। वहां पर एसएसपी ने सिकंदराबाद थाने में तैनात 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इन 4 पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि ड्यूटी के बाद ये लोग गैर जनपद के अपराधियों को पकड़कर उनके परिजनों से अवैध वसूली करते थे और रकम मिलने के बाद अपराधियों को छोड़ देते थे। इस बात की शिकायत एसएसपी को लगातार मिल रही थी और इसके बाद एसएसपी ने इसकी जांच करवाई। इसमें 3 मामले उजागर हुए और इस पर कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने 4 आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और इनके खिलाफ धोखाधड़ी के साथ ही कई संगीन धाराओं में मामला भी दर्ज कराया गया है। थाना सिकंदराबाद में तैनात कुल 4 पुलिसकर्मी, जिनमें से 3 हेड कांस्टेबल हैं और 1 कांस्टेबल है, इनके बारे में अधिसूचना कुछ दिनों से प्राप्त हो रही थी कि एक आपराधिक गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनका आचरण भ्रष्टाचार की सीमा के अंतर्गत है। इस आधार पर इस प्रकरण की गहनतापूर्वक छानबीन की गई। प्राथमिक छानबीन से पाया गया कि जो आरोप लगाए जा रहे थे वो सत्य थे। इस आधार पर इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा व 386 IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग पंजीकृत होने के बाद तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित किया गया है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। काशीपुर से इस वक्त हमारे पास है, हाई टेंशन वार की चपेट में आया युवक और 6 से ज्यादा युवक इस हादसे का शिकार हुए। 2 युवकों की मौत की खबर है, बहुत अफसोसनाक। कई घायल बताए जा रहे हैं। नगर के अंबा विहार कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर, हाई टेंशन वार की चपेट में 6 युवक आए, 2 की मौत की खबर काशीपुर में। बाकी जख्मी इस हाई टेंशन वार के करंट की वजह से, कई घायल हैं। 2 युवकों की मौत हो गई है। नगर के अंबा विहार कॉलोनी में यह हादसा पेश आया है। हमारे संवाददाता विकास इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। विकास, पूरी खबर बताइए। ये काशीपुर के अंबा विहार कॉलोनी का मामला है जहां होलिका दहन की तैयारी युवक कर रहे थे। इसी दौरान बीती रात्रि जब वो झंडा लगाने की तैयारी कर रहे थे तो वो झंडा हाईटेंशन लाइट की चपेट में आ गया। 33,000 की ये लाइन थी जो होलिका दहन के ऊपर से गुजर रही थी। इस दौरान एक अधिवक्ता युवा जो थे उनकी मौत तत्काल हो गई, जबकि 6 से 7 युवक घायल हो गए, जिसमें से एक ने अभी कुछ देर पहले और दम तोड़ दिया। जी
शुक्रिया आपका विकास। और रामपुर पुलिस की देर रात 15,000 के इनामी बदमाश और उसकी टीम के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से जख्मी हो गया। यह मामला गढ़ कोतवाली इलाके का है। यहां के पुलिस को जानकारी मिली थी कि 15,000 का इनामी बदमाश धर्मपाल अपनी टीम के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और इसमें इनामी बदमाश धर्मपाल घायल हो गया, जबकि उसके साथी मौका देखकर फरार हो गए। पुलिस ने धर्मपाल को गिरफ्तार किया है। और मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। नई मंडी पुलिस और बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। इसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश मोहसिन पैर में गोली लगने से जख्मी हो गया है, जबकि इस दौरान मोहसिन का साथी भागने में कामयाब रहा। बदमाश के कब्जे से बाइक, तमंचा, कारतूस और 73,000 की नकदी बरामद हुई है। घायल बदमाश पर लूट और हत्या के कुल 10 मुकदमे दर्ज थे। और लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में पुलिस ने दो शातिर बदमाश शुभम रावत और अमन शर्मा को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश राह चलते लोगों से बाइक लूटते थे और उनका बैग छीनकर फरार हो जाते थे। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दो साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। अगली बड़ी खबर आगरा से है। ताजमहल के पास थम गई हैं बुजुर्ग की सांसें। 70 साल के सैलानी अजय की शिल्पग्राम परिसर में मौत हो गई है बस से उतरते वक्त। बंगाल से 59 सैलानियों का दल ताजमहल आया हुआ था। ताजमहल के पास 70 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। अजय नाम था उनका। बस से उतरते वक्त उनकी सांसें थम गई। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। नितिन, क्या हुआ, विस्तार से बताइए। देखिए, पश्चिम बंगाल के एक 59 सैलानियों का दल ताज का दीदार करने आया था। उसमें 70 वर्षीय सैलानी थे अजय कुमार आदित्य। वो जैसे ही बस से उतरे उसके बाद अचानक से उनको कोई प्रॉब्लम होती है और जिसमें उनकी जान चली गई है और बस से उतरते समय उनकी मौत हुई है। तो कुल मिला के जो डॉक्टर जो पुलिस है पर्यटन पुलिस आनंद फानंद में हॉस्पिटल में एडमिट कराती है, लेकिन उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनको कार्डियक अरेस्ट आया है। शुक्रिया आपका नितिन इन जानकारियों के लिए। हृदय गति रुकने से 70 साल के बुजुर्ग की बस से उतरते वक्त आगरा में मौत हो गई। वो 59 लोगों के साथ एक दल के साथ आए थे। अगली बड़ी खबर बस्ती से है। 6 साल पहले मृत शख्स को जिंदा किया गया है। भ्रष्ट अधिकारियों ने फिर से जिंदा कर दिया है। 1994 में मृत शख्स को मृत घोषित किया गया, 2001 में फिर से मारा गया। फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर एक जमीन में कई बार धांधली की गई है। साहूघाट ब्लॉक के सेक्रेटरी चंद्रशेखर का यह कारनामा सामने आ रहा है। डीएम ने इस मामले पर जांच बिठा दी। फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया और एक जमीन में कई बार धांधली की गई है। ये साहूघाट ब्लॉक के सेक्रेटरी चंद्रशेखर का कारनामा है। बस्ती से खबर। भ्रष्ट अधिकारियों ने फिर से एक मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया जमीन के मामले में धांधली करने के लिए, फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के लिए। साहूघाट ब्लॉक के सेक्रेटरी चंद्रशेखर का कारनामा सामने आ रहा है। बड़ी खबर बस्ती से। साहूघाट ब्लॉक के सेक्रेटरी चंद्रशेखर ने कारनामा किया है। मृत व्यक्ति को जिंदा किया है, जमीन के मामले में धांधली की है। 6 साल पहले जो व्यक्ति मर चुका था उसको जिंदा दिखाया गया है, फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया है। इस तरह का फर्जीवाड़ा बस्ती में जमीन के मामले में।
बस्ती से आ रही इस खबर के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूर्वोत्तर रेलवे ने महिलाओं को समर्पित कर एक ट्रेन का संचालन किया है। यह ट्रेन गोरखपुर से नौतनवा तक का सफर तय करेगी। स्पेशल ट्रेन का मतलब इसमें लोको पायलट से लेकर गार्ड तक सभी महिला स्टाफ तैनात किए गए। इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात TTE पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी तक महिला स्टाफ की तैनाती की गई। इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्री भी प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन के अंदर तक सारी महिला स्टाफ को देखकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये ट्रेन महिला दिवस पर सुबह 8 बजे महाराजगंज के नौतनवा स्टेशन के लिए रवाना कर दी गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, महिला स्पेशल जा रही है और अच्छा लग रहा है काफी, महिलाएं हर फील्ड में आगे आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस ट्रेन में और कौन कौन लोग? ट्रेन में सर हमारे साथ आप देख सकते हैं कि लोको पायलट, असिस्टेंट, गार्ड और ये टिकट चेकिंग स्टाफ, सारी महिलाएं जा रही हैं। ये तो पैसेंजर है, नौतनवा जाएगी और बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा आदरित हम लोगों को मिला है और एक लीड रोल कर रहा है और महिलाओं को ये मैसेज देंगे कि कोई भी काम हार्ड नहीं है, आप उसमें पहले आगे आइए, फिर धीरे धीरे वो काम खुद से खुद खुद मैंने सहूलियत भरा रखने लगता है। बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन और टोल प्लाजा कर्मियों के बीच टोल टैक्स देने को लेकर विवाद हो गया। मामला अहमदपुर टोल प्लाजा का है। यहां से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत गुजर रहे थे। टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर उनकी टोल कर्मियों से कहा सुनी हो गई। इसमें टोल कर्मियों ने राकेश टिकैत से अभद्रता तक कर दी। इस बात की भनक लगते ही मौके पर सैकड़ों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए और प्रदर्शन करने लगे। इतना ही नहीं, भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियों को भी बिना टोल के ही गुजार दिया। कई घंटे के प्रदर्शन के बाद नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर अपना प्रदर्शन खत्म किया। मांगे ये हैं कि जो इनके नॉर्म्स है, जो NH से इनके समझौते हुए हैं, उसको पूर्ण रूप से यहाँ पे बोर्ड लगा के उसको फॉलो कराइए, उसको दिखाएं। और जो 40-40 मिनट यहाँ पे कंज्यूमर को लग रही है, जो आम आदमी है उसको लग रही है टोल पे, वो 10 मिनट और 8 मिनट से ज़्यादा उसको नहीं लगनी चाहिए। जो इनके नॉर्म्स में लिखा हुआ है उसका फॉलो करें पूर्ण। इधर वृंदावन के बांके बिहारी धाम में 20 किलो फूलों से बना गुलाल नरसिंह बद्री धाम जोशी मठ पहुंच गया है। इस गुलाल से सबसे पहले भगवान बद्री विशाल के चरणों में उसे समर्पित किया गया और उसके बाद ये गुलाल योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर मंदिर में समर्पित कर भक्तों में वितरित किया गया। वहीं भक्तों ने वृंदावन से आए इस पावन गुलाल को एक दूसरे पर लगाकर होली मनाई। छोड़ो कलाई हमारी की दूंगी मैं तो है गाली, होली होली का त्यौहार पर बाजारों में रौनक बढ़ चुकी है। बच्चों के रंग बिरंगी पिचकारी और वाटर टैंक जैसे खिलौने से बाजार भरे पड़े हैं। इस बार कोरोना के असर को खत्म करने के लिए यमुना घाटी के बड़कोट में व्यापारियों ने चाइना मेड सामान का बहिष्कार कर रखा है। बाजार में केवल मेक इन इंडिया सामानों की ही भरमार है। इस खबर के साथ ही गंगा दोपहर में फिलहाल इतना ही है। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार पिक्चर अभी बाकी है।